हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए क्या है कुछ मजेदार फैक्ट्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी वोडाफोन की सिम तो यूज करते होंगे, क्या आप उसकी फुल फॉर्म जानते हैं? क्या आप यह जानते हैं मधुमक्खी एक सेकंड में कितनी बार पंख ला सकती है? क्या आपको यह पता है भारत में अंग्रेजी की दूसरी किताब किस चीज के ऊपर लिखी गई थी? जब हम नंबर्स को इंग्लिश में लिखना शुरू करते हैं तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको लिखने में पहली बार अल्फाबेट ए का यूज हुआ था? क्या आपने कभी यह सोचा है जब आप किसी से बातें करते हो तो आपकी कितनी मसल्स काम करती हैं? आप लोगों ने ऑल फैक्ट्री तो जरूर देखी होगी। क्या आपको यह पता है कि ऑल फैक्ट्री की चिमनी में हमेशा आग क्यों जलती रहती है? क्या आप यह जानते हो क्रिकेट प्लेग्राउंड में एक से ज्यादा पिच क्यों होती है जबकि एक प्लेग्राउंड में दो टीम ही खेलती है? ये सारी चीजें जानेंगे वीडियो के एंड में। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। फैक्ट नंबर फर्स्ट, आप सभी वोडाफोन की सिम तो यूज करते होंगे, क्या आप लोग उसकी फुल फॉर्म जानते हैं? चलिए मैं बताता हूँ, वोडाफोन की फुल फॉर्म है बॉयज डाटा फोन वोडाफोन। फैक्ट नंबर टू, आप लोगों ने मधुमक्खी तो जरूर देखी होगी, क्या आप लोग यह जानते हो मधुमक्खी एक सेकंड में कितनी बार पंख ला सकती है? मधुमक्खी एक सेकंड में 160 बार पंख ला सकती है। जी गाइस, यकीन नहीं होता ना। फैक्ट नंबर थ्री, भारत में अंग्रेजी की दूसरी किताब शतरंज के ऊपर लिखी गई थी और शतरंज का आविष्कार भारत में ही हुआ था। फैक्ट नंबर फोर, आप लोगों ने नंबर्स को कभी ना कभी तो इंग्लिश में जरूर लिखा होगा, जैसे ONE TWO2। तो आप यह बता सकते हैं ऐसा कौन सा नंबर है जिसे लिखने में पहली बार ए का यूज हुआ था? 1000 में ए का पहली बार यूज हुआ था, क्योंकि जब हम नंबर्स को इंग्लिश में लिखते हैं 1 से लेकर 999 तक तो हमको ए की जरूरत ही नहीं पड़ती। फैक्ट नंबर फाइव, कभी आपने सोचा है जब आप किसी से बातें करते हो तो आपकी कितनी मसल्स काम करती होंगी? जब हम किसी से बातें करते हैं तो हमारी 72 मसल्स काम करती हैं। जी गाइस, बिल्कुल आपने सही सुना। फैक्ट नंबर सिक्स, गाइज आप लोगों ने ऑयल फैक्ट्री तो जरूर देखी होगी, बट बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑयल फैक्ट्री नहीं देखी है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑयल फैक्ट्री की चिमनी में हमेशा आग क्यों जलती रहती है। तो गाइज, जब ऑयल बनता है तो काफी सारी गैसें निकलती हैं और उन गैसों का हमारा कोई यूज नहीं होता है। अगर हम उन गैसों को जलाएंगे नहीं तो वो गैस हमारे लिए काफी हार्मफुल है, जिससे कि हमारी तबीयत भी खराब हो सकती है और प्रदूषण भी काफी ज्यादा होगा। इन सब चीजों से बचने के लिए इन गैसों को जला दिया जाता है, इसलिए ऑयल फैक्ट्री की चिमनी में हमेशा आग जलती रहती है। फैक्ट नंबर सेवन, आप सभी क्रिकेट तो देखते होंगे, क्या आपने एक चीज सोची है कि क्रिकेट प्ले ग्राउंड में एक से ज्यादा पिच क्यों होती है जबकि एक मैच में दो टीम ही खेलती है? क्योंकि मैच के बीच में अगर बारिश आ जाती है तो पिच खराब हो जाती है, तो वो दूसरी वाली पिच यूज कर सकते हैं, और एक पिच मैच स्टार्ट होने से पहले ट्रेनिंग के लिए होती है। ऐसे फैक्ट्स आप पहले जानते थे तो कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।